नमस्कार, मैं प्रिया। आज 23 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जल्द ही होगी 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति। नए साल को लेकर पुलिस ने बनाया स्पेशल प्लान। स्वदेश दर्शन योजना को केंद्र से मंजूरी का इंतजार। पहले दिन अभियान के बाद सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द ही होगा बड़ा बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की हर पंचायत में 5 तालाबों का होगा निर्माण। बिहार में पंचायत चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद ही गांव की सरकार भी बनकर तैयार हो गई है। यही कारण है कि अब पंचायतों के विकास को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में प्रत्येक पंचायत में 5 पोखर की खुदाई का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर मनरेगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ग्रामीण और किसानों से बातचीत कर स्थल का चयन करने का काम किया जाएगा, जो कि मनरेगा योजना के तहत ही की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जल जीवन हरियाली योजना से चल रही योजनाओं की स्थल पर जाकर जांच करें, सोखता की धरातल पर जाकर जांच करें। आपको बता दें कि पोखर खुदाई का काम उसी जगह पर किया जाएगा जहां पर किसानों की अनुमति होगी। बिहार में जल्द ही होगी 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति। बिहार में जल्द ही सरकारी नौकरी की बहार आने वाली है, जिसके तहत नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए साल 2022 बेहद ही मंगलमय होने वाला है। बिहार में 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां क्योंकि होने वाली हैं। इनमें कई पद ऐसे होंगे जिनकी परीक्षा और काउंसलिंग तो हो चुकी है, लेकिन अंतिम रिजल्ट अभी नहीं निकला है। वहीं कई अन्य नए पदों पर वैकेंसी भी निकलने वाली है, जिसके तहत ही बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 17,000 से अधिक पदों को भरा जाना है। इनमें करीब 7300 पद ऐसे हैं जिनका केवल अंतिम रिजल्ट आना बाकी है। वहीं करीब 5100 पदों का विज्ञापन भी निकल चुका है, जिसके लिए अभी परीक्षा या काउंसलिंग का आयोजन नहीं हुआ है, जो नए साल में होना है। पहचान में हम बात करेंगे रविंद्र प्रभात की। रविंद्र प्रभात भारत के हिंदी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, व्यंगकार, स्तंभकार, संपादक और ब्लॉग विश्लेषक हैं। उन्होंने लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है, परंतु व्यंग और गजल में उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। 1991 में प्रकाशित अपने पहले गजल संग्रह हम सफर से पहली बार वो चर्चा में आए थे। लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक जन संदेश, टाइम्स और डेली न्यूज एक्टिविस्ट के वो नियमित स्तंभकार रह चुके हैं। इनका जन्म सीतामढ़ी जनपद बिहार के एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेला परिहार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और सीतामढ़ी के ओरिएंटल मध्य विद्यालय, मथुरा उच्च विद्यालय और राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज में हुई थी। बिहार के छोटे शहरों में बढ़ी जमीन की खरीद बिक्री। बिहार के छोटे शहरों में जमीन की खरीद बिक्री बढ़ा दी गई है। इसी का नतीजा है कि निबंधन राजस्व का लक्ष्य हासिल करने में छोटे शहर आगे हैं। इसमें अभी तक 34 छोटे शहरों ने समय से पहले ही 100% से अधिक राजस्व लक्ष्य हासिल करने का काम कर लिया है। साल 2021-22 में 17 दिसंबर तक निबंधन विभाग ने 7.82 लाख दस्तावेज में से 3307 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। 31 दिसंबर तक का लक्ष्य 3420 करोड़ का है, जो महीने के आखिर तक हासिल कर लेने का अनुमान है। हालांकि राशि के हिसाब से देखें तो पटना और दानापुर का अब भी दबदबा बरकरार है। सिर्फ इन दोनों ने अभी तक करीब 400 करोड़ का राजस्व विभाग को दिया है। निबंधन विभाग के आंकड़ों को देख दिसंबर तक सबसे अधिक 167% लक्ष्य शेखपुरा ने हासिल किया है। वहीं महत्वपूर्ण शहरों में खगड़िया, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सदर, भागलपुर समेत कई शहरों के नाम शामिल हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के स्पॉट नामांकन के लिए है आखिरी मौका। बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट 2021-23 सत्र में एडमिशन के लिए नामांकन कराने वालों के लिए काम की खबर सामने आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने 2021-23 सत्र के लिए इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं करा पाने वाले स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया है। ये नामांकन बिहार बोर्ड की तरफ से 27 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। ऐसे में इंटरमीडिएट के लिए नामांकन कराने के इच्छुक स्टूडेंट निर्धारित तारीख तक इंटर स्पॉट नामांकन करा सकते हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा स्पॉट नामांकन 17 से 22 अक्टूबर 2021 तक किया गया था, लेकिन राज्य के कई स्कूल और कॉलेज में स्पॉट नामांकन की लास्ट डेट बीत जाने के बाद भी खाली रह गई थी, जिसके बाद बोर्ड ने सभी स्कूल और कॉलेज से खाली सीटों की विषयवार जानकारी मांगी थी। सभी मठ और मंदिरों की होगी घेराबंदी। बिहार में धार्मिक स्थलों के लिए सरकार ने अब नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत सबसे पहले मठ मंदिरों की संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना है। इसके बाद घेराबंदी का काम किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में 4,193 से ज्यादा मठ और मंदिर है। बिहार के मठ मंदिरों के पास 29,460 एकड़ जमीन है, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब मठ मंदिर की संपत्ति ईष्ट देव के नाम किया जाएगा।
खगड़िया जिले के सन्हौली दुर्गा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खगड़िया शहर से सटे सन्हौली दुर्गा स्थान में दशकों से मां दुर्गा विराजमान है। श्रद्धालु इसे शक्तिपीठ समझकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि 200 साल पहले पंचायत के ही एक खेत जोतने के क्रम में मां दुर्गा की मूर्ति मिली थी। मूर्ति को एक ब्राह्मण गोपी ठाकुर ने उठाकर अपने घर के निकट एक कुएं पर स्थापित कर दिया। मां दुर्गा की मूर्ति को कुएं पर स्थापित करने के बाद स्वप्न देखकर गोपी ठाकुर ने पंचायत के गणमान्य लोगों से इस पर बात और संवाद किया, जिसके बाद में गांव के लोगों के प्रयास से मूर्ति को कुएं से हटा करके गांव के दक्षिणी छोर पर स्थापित किया गया। नए साल को लेकर पुलिस ने बनाया स्पेशल प्लान। नए साल के मौके पर बिहार में इस बार कड़ा पहरा रहने वाला है। शराबी और धंधेबाजों की धरपकड़ के लिए पुलिस ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करने वाली है। छापेमारी का यह अभियान 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान होटल, क्लब, गेस्ट हाउस, लॉज और अपार्टमेंट और पार्क सहित अन्य जगहों पर पुलिस सघन तलाशी करेगी। इस दौरान चौक चौराहों पर भी रोको टोको अभियान चलाकर पुलिस वाहनों और उसमें सवार लोगों की जांच करेगी। ब्रेथ एनालाइजर के साथ पियक्कड़ों की जांच होगी। इसके लिए एसएसपी उपेंद्र शर्मा की तरफ से सभी थानों को अतिरिक्त बल मुहैया करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, छापेमारी के समय कहां पर क्या कार्रवाई की गई, एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी अपने सर्किल में इसकी मॉनिटरिंग कर एसएसपी को रिपोर्ट भेजेंगे। अभियान में किसी तरह की लापरवाही उजागर होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। पेयजल की आपूर्ति में बिहार ने हासिल किया नया मुकाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नल जल योजना महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रही है। इसी का परिणाम है कि नल से जल पहुंचाने के मामले में बिहार देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को 100% उपलब्धि हासिल कर चुका है, जिसमें तेलंगाना, हरियाणा, गोवा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली का नाम शामिल है। देश के स्तर पर देखें तो 44.71% घरों में नल के जरिए पेयजल पहुंचाया जा रहा है। घरों की संख्या 1,26,86,000 है। घर के हर एक सदस्य के लिए प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। यह योजना इंटरनेट और मोबाइल ऐप से जुड़ी हुई है ताकि आपूर्ति में बाधा की जानकारी तुरंत मिल जाए। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के हर घर में नल का जल पहुंचाना इसलिए थोड़ा कठिन रहा क्योंकि इसके बड़े इलाके के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित होती है। टिकट की लंबी लाइन से बिहार वासियों को मिलेगा निजात। पटना जंक्शन से सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट के लिए लंबी कतार में नहीं लगना होगा। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों को सुविधा के लिए अब मेट्रो कार्ड की तर्ज पर ही कार्ड जारी किया जाएगा। इसी कार्ड के जरिए यात्री ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट ले सकेंगे। इस सुविधा के सौगात सबसे पहले पटना जंक्शन पर नए साल में मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि जंक्शन के अलावा दानापुर मंडल के 3 अन्य स्टेशन पर भी इस सुविधा की शुरुआत होगी। दानापुर रेल मंडल के एक वरीय अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि पटना जंक्शन पर नए साल के पहले या दूसरे महीने से मशीन से टिकट मिलने लगेगा। जंक्शन के अलावा राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन और दानापुर स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। बिहार में लगेगी इथेनॉल और सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री। बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अलग अलग जिलों में लगातार निवेश कर रही है। कई जिलों में उद्योग फैक्ट्री कारखाने खोलने को लेकर भी काम किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के आरा और बेगूसराय जिले में राज्य ने बड़ी फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई है, जिसके तहत ही अब आरा में इथेनॉल और बेगूसराय के बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री लगाने के लिए 447 करोड़ की निवेश की मंजूरी मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार आरा में सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री खोलने के लिए 278.85 करोड़ और बरौनी में इथेनॉल फैक्ट्री के लिए 168.42 करोड़ का निवेश करेगी ताकि इन दोनों इलाकों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी आयुर्वेद और योग संबंधी कार्यक्रम। बिहार के स्कूल में अब आयुर्वेद और योग की शिक्षा दी जाएगी। इसको लेकर ड्राफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट को अभी केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षात्कार विभाग को भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही वहां से मंजूरी मिल जाएगी और पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाएगा। इसको लेकर आयुष मंत्रालय की तरफ से बीते दिन सारी जानकारी लोकसभा में सरकार के मंत्री ने दे दी है। सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की इच्छा रही है कि हजारों वर्ष पुराना आयुर्वेद योग की गंभीरता से इसे लागू किया जाए। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बच्चों को शुरू से ही योग की पढ़ाई या अभ्यास कराया जाए तो उन्हें कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। बिहार के 11 जिलों में शीतलहर को लेकर जारी हुई चेतावनी। बिहार में ठंड का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच बिहार के 11 जिलों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके तहत विभाग ने प्रदेश के बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद, नवादा, गया,
पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, भभुआ और रोहतास में शीतलहर का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञानी संजय कुमार की माने तो 24 दिसंबर से पछुआ की जगह पूर्वी हवा चलने के आसार है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में सुधार हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के पहाड़ी इलाकों से लगातार सर्द हवाओं का प्रवाह जारी है। 3 दिनों तक प्रदेश के मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर पछुआ हवा के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश के एक या दो स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा भी छाए रहने की संभावना है। स्वदेश दर्शन योजना को केंद्र से मंजूरी का इंतजार। बिहार में पर्यटन की संभावनाएं भले ही असीम है, लेकिन फिर भी बिहार का पर्यटन क्षेत्र बदहाली झेल रहा है। कोरोना के कारण परेशानियां भी काफी बढ़ गई हैं। इस साल राजगीर नेचर सफारी और बांका में रोपवे की शुरुआत हुई, जिसके बाद से पर्यटकों की दिलचस्पी कुछ बढ़ी है, लेकिन पीएम पैकेज योजना के तहत स्वदेश दर्शन योजना का काम बिहार में अभी भी अधूरा पड़ा है, जिसके कारण गांधी सर्किट और रामायण सर्किट के साथ बौद्ध सर्किट का काम परवान नहीं चढ़ सका। इन सबके बीच प्रधानमंत्री विशेष पैकेज 2015 के अंतर्गत स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत बिहार पर्यटन को 600 करोड़ रुपए आवंटित होने थे, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ है, जिससे बिहार में पर्यटन के विकास पर ब्रेक लग गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द ही होगा बड़ा बदलाव। बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में जुटी नीतीश सरकार ने प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में शोध, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि उच्च शिक्षण संस्थान महज डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि नए नए अनुसंधान और नवाचार केंद्र भी बनाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इसमें सरकार वित्तीय मदद देगी, क्योंकि यह नई शिक्षा नीति का हिस्सा भी है। सरकार की इस नीति से शिक्षा की गुणवत्ता में तो सुधार होगा ही, बेरोजगारी की समस्या दूर करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिल सकेगी। शिक्षा विभाग इसके लिए तैयारियों में जुट गया है। बिहार सरकार ने पकड़ी 15 जिलों के 24 सीओ की गलती। जमीन से जुड़ी सेवाओं का ब्यौरा तय समय पर वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया था। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शुरू से ही आदेश दिया है, लेकिन अभी तक कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने जमीन से जुड़ी सेवाओं का ब्यौरा समय पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, जिन पर अब कार्रवाई तय है, जिसके बाद अब संबंधित जिलाधिकारी जिम्मेवारी के साथ ही साथ सजा भी तय करेंगे। भू अर्जन के निदेशक सह अपर सचिव सुशील कुमार ने 15 जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, मधेपुरा, मधुबनी, नालंदा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण, पटना जिला के सदर सहित कुल 24 अंचलों का नाम शामिल है। जनवरी में होगी राजद की बेरोजगारी हटाओ यात्रा। सीएम नीतीश ने बीते दिन से समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर दी है। उनकी ये यात्रा 15 जनवरी तक बिहार के हर जिले में होने वाली है। इसके बाद जनवरी महीने में ही राजद की बेरोजगारी हटाओ यात्रा शुरू होगी। हालांकि इस यात्रा का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि ठंड की स्थिति को देखते हुए यात्रा का प्रोग्राम तय किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह भी बताया कि बिहार में ठंड की स्थिति को देखते हुए जनवरी में ही बेरोजगारी हटाओ यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अभी यात्रा का शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया है कि ठंड की वजह से आम लोगों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। राजद विधायक के सामने मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी को ही बताया बेरोजगार। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बीते दिन जिला खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन सिकंदरपुर स्टेडियम में किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद बेचारे बेरोजगार हैं, इसलिए वो बेरोजगार रैली करेंगे। वहीं इस बयान को लेकर राजद विधायक ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता हैं और सबसे ज्यादा रोजगार उन्हीं के पास है। इसके साथ ही कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद मंत्री रामसूरत राय ने बच्चों से शराबबंदी को लेकर अपील की है। मंत्री ने शराब का सेवन नहीं करने की अपील की और कहा कि नशा मुक्त होना चाहिए। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेरोजगार यात्रा पर भी बड़ा बयान दिया है। पहले दिन अभियान के बाद सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन से समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत उन्होंने अपनी पहली जनसभा भी मोतिहारी में की। इस जनसभा के बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आयोजित बैठक में पूर्वी चंपारण जिले के सभी विधायक और पश्चिमी चंपारण जिले से जुड़े विधायकों ने भी शिरकत किया। मोतिहारी जिले के कई विधायकों ने लंबे समय से सड़क निर्माण और पुल निर्माण नहीं होने का सवाल उठाया। इस दौरान ढाका से भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने बताया कि फुलवरिया घाट पर पुल का निर्माण 5 सालों से नहीं हो पाया है। इसके बाद भी 5 सालों से एक ईंट भी नहीं जोड़ी गई है। अब टेंडर के बाद एजेंसी का निर्माण कार्य का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में उसे 31 मार्च 2022 तक हर हाल में पूरा करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में एकला चलो की रणनीति अपनाएगी लोजपा। रामविलास
बिहार की राजनीति में भले ही चिराग पासवान का कोई करिश्मा ना दिखा हो, लेकिन चिराग को अभी भी लोगों से बहुत उम्मीद है। यही कारण है कि बिहार विधानसभा में अकेले मैदान में उतरे चिराग ने अब उत्तर प्रदेश में भी अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया गया। इसमें लिखा गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 12 जनपद रोड दिल्ली में बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर लोजपा अपने उम्मीदवार को उतारेगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। सीएम के अभियान को राजद ने बताया भ्रष्ट। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान पर हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने बीते दिन से कर दी है। हालांकि इन सब के बीच विपक्ष ने उनके इस अभियान के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू कर दी है, जिसके तहत राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार पहले से सुधरा हुआ है, यहां नीतीश कुमार का प्रशासनिक महकमा बिगड़ा हुआ है और सबसे पहले नीतीश कुमार को उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। राज्य में हर तरफ भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सचिवालय हो या शौचालय, हर जगह भ्रष्टाचार की गंध है। नीतीश कुमार आज जनता की गाढ़ी कमाई को यूं ही लुटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में हर जगह अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। भारतीय टीम को जब चाहे तब साउथ अफ्रीका से मिल सकती है स्वदेश लौटने की इजाजत। भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर है, जहां दोनों देश के बीच 26 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और इसके बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। साउथ अफ्रीका में सीरीज का आयोजन होना है, जहां कोरोना का नए वेरियंट ओमिक्रॉन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ही साउथ अफ्रीका में लॉकडाउन लगाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में वहां खिलाड़ियों के फंसने की भी संभावना जताई जा रही थी। हालांकि इन सबके बीच अगर साउथ अफ्रीका में हालात खराब होते हैं तो फिर भारत को स्वदेश लौटने की अनुमति होगी, फिर चाहे देश की सीमाएं ही क्यों ना बंद हो, जिसका ऐलान खुद साउथ अफ्रीका सरकार ने कर दिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। विजयनगर के शासक वीरूपक्ष द्वितीय तेलीकोटा की 1465 में लड़ाई में अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त मुस्लिम सेना से पराजित हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1894 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के पूस मेले का उद्घाटन किया। नई दिल्ली को देश की राजधानी घोषित करने के समय 1912 में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने हाथी पर बिठाकर शहर में प्रवेश किया था, लेकिन इस दौरान एक दुर्घटना में वो चोटिल हो गए थे। मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का 1968 में सफल प्रक्षेपण हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम 2000 में आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता किया गया। भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रास बिहारी घोष का 1845 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका नूरजहां का निधन 2000 में आज ही के दिन हुआ था। अब मुफ्त में नहीं चला सकेंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आज के समय में लोकप्रिय एप्लीकेशन में से एक है, जिसमें आप आसानी से अपने फोटोज और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप वहां से कई सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। हालांकि अभी तक यह काम आप मुफ्त में कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में आपको इंस्टाग्राम चलाने के लिए पैसे देने होंगे। अमेरिका में सब्सक्रिप्शन चार्ज 0.99 से $4.99 के बीच रखी जाएगी, जबकि भारत में यूजर को एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट के लिए ₹89 प्रति महीने सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंस्टाग्राम के यूजर को सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद लाइव वीडियोस और स्टोरीज देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, यूजर क्रिएटर्स को मैसेज भी भेज सकेंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम ₹46,280 था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम ₹48,810 था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो ₹61,900 था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत ₹105.90 प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम ₹91.09 प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अफरोज आलम, कुंदन साजवान, मृत्युंजय कुमार, दिव्यांशु कुमारी, अंगद यादव, गौतम कुमार, संजीत कुमार, सरजी दीपा चौधरी, पंकज कुमार दास, अनुग्रह नारायण सिंह, महिपाल यादव, सिमरन परवीन, रिया रॉय, मुन्ना कुमार, मुकेश पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का बिहार सरकार का निर्णय सही है या नहीं। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।